हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। आरबीआई स्कॉलरशिप स्कीम जो है निकाले गए हैं फैकल्टी मेंबर के लिए। टोटल 5 स्कॉलरशिप है जिसमें काफ़ी अच्छे सैलरी मिलेंगे 3 महीने आपको 40K पर मंथ एंड काफ़ी अच्छा जो रिसर्च आप प्रपोजल डालोगे, जो भी रिसर्च प्रपोजल आप दोगे एंड उसमें आपको काफ़ी अच्छे 1.5 लाख तक का आपको जो है एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव, मतलब 1,20,000 हुआ एंड 1.5 लाख, ठीक है, मतलब 2,70,000 आपका 3 महीने में, ठीक है। अप्लाई बाय अक्टूबर 20, इसमें 5 ही है, यही एक है। साथ में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह कैसे होगा और क्या कुछ आपको जो है वर्क करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर साल होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द एक्टिविटीज रिजर्व बैंक अमंग द फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स कम्युनिटी, प्रोवाइड एक्सपोजर फैकल्टी मेंबर टीचिंग इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस डिफेंस एरियाज एक्टिविटीज ऑपरेशन द रिजर्व बैंक, एलिजिबिलिटी फुल टाइम फैकल्टी टीचिंग इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज ऑफ इंडिया। कोई भी यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट से आपको मतलब पढ़ाना होना चाहिए, पढ़ाते हो आप ऐसा। इंडियन नेशनल्स होना चाहिए, एज होना चाहिए 25 साल, 55 ईयर्स के अंदर। पीफेयर यहाँ पर बताया गया है कि पीफेयर विल बी गिवन कैंडिडेट हैव नॉट बीन अवार्डेड स्कॉलरशिप ऑलियर। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बताया गया है, द एप्लीकेशन कम्प्लीट द रेस्पेक्ट दिस शुड रीच द स्टूडेंट्स लेटेस्ट अक्टूबर 20। कमिटमेंट द स्कॉलरशिप स्कीम वुड बी डिसंबर 6, ठीक है। स्कॉलरशिप स्कीम जो है आप इसको जो है लास्ट डेट है 20 अक्टूबर को एंड इसको 2 तारीख से जो काम हो जाएगा कि ठीक है स्कॉलरशिप वगैरह आप मिल जाएगा आपको। एंड साथ में यहाँ पे कुछ फैसिलिटी कुछ आपके एयर फेयर आपको दिए जाएंगे, साथ में आपको जो है सैलरी वगैरह दिए जाएंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगा उसके बारे में, इन एडिशंस मंथली रिमिनेशंस कॉम्पिटिशंस कम्पलीशन प्रोजेक्ट रिसर्च एप पेपर, तो आपको जो है 1.5 लाख तक दिए जाएंगे जैसे मैंने बताया था। उसके बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज द स्कॉलर वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिसर्च पेपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स द आरबीआई रिसर्च, द स्कॉलर शुड मेक द प्रिस्क्रिप्शंस प्रेजेंटेशंस हिज आर वर्क सेमिनार प्रिजर्व बैक ऑफ इंडिया। और भी कई सारे यहाँ पर बताया गया है, द रिसर्च प्रोजेक्ट मैक्सिमम 3 मंथ्स। लोकेशन यहाँ पर द स्कीम्स वुड बी एडमिनिस्ट्रेट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिसी रिसर्च सेंट्रल ऑफिस आरबीआई मुंबई। द सिलेक्टेड कैंडिडेट को ये जो ऑफिस मैंने बताया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिसी रिसर्च यहाँ पे आपको जाना रहेगा एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट का रिकॉर्ड कंप्लीट अपना एप्लीकेशन प्रोसेस को करना रहेगा। उसके बाद जो है आप इसको आगे जा सकते हो। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रिसर्च प्रपोजल नॉट रिसर्च प्रपोजल आपको डालना होगा जिसमें कि 1,000 ज़्यादा वर्ड्स के नहीं होना चाहिए। कारिकुलम भेटा इंटरव्यू एंड सिलेक्शन पैनल के बाद आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आरबीआई स्कॉलरशिप के बारे में अगर जानना चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे सारे डिटेल्स नंबर ऑफ डिटेल्स यहाँ पे सारे डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है, चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया, थीम क्या है, एग्जैक्ट थीम, रिसर्च पेपर, स्कॉलर, आरबीआई, क्या कुछ सैलरी वगैरह, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप क्या है, लोकेशन, स्कीम ड्यूरेशन के बारे में बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में मैंने बताया था। तो इसको आपको देखने के बाद आपको क्या करना रहेगा, आप जो है बैक करके आप इसका जो है देख सकते हो, ठीक है। और इसको फॉर्म को जो है सभी फिल कर देना, ठीक है। और आपको ईमेल करना रहेगा जो भी आपका रिसर्च प्रपोजल है, ठीक है। उसको ईमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी देखो, ये ईमेल आईडी यहाँ पर बताया गया है, इसके मैं दिखा देता हूँ, DEP@rbi.org.in, ठीक है। इसमें आपको मेल करना रहेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको फॉर्म को फिल कर देना एंड आप भेज देना, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन वाचिंग फॉर दिस, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।